फ्रेंड्स, शिल्पी माइक्रोवेव कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हम लोग माइक्रोवेव में 5 मिनट में आलू किस तरीके से बॉईल कर सकते हैं। सबसे पहले आलूओं को हम चाकू से या फोक से आप प्रिक कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप आलूओं को बिना फोक के माइक्रोवेव में रखेंगे तो आलू फट जाएगा। एग हम माइक्रोवेव में बॉईल नहीं कर सकते, अदरवाइज एग फट जाएगा। अब हम आलूओं को माइक्रोवेव में रखेंगे। टर्न टेबल के ऊपर आप इसको रख सकते हैं, किसी कंटेनर में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। टाइमिंग हम सेट करेंगे 5 मिनट्स का। तो फ्रेंड्स, टाइम कंप्लीट हो गया है, आलू बॉईल हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं आलू बॉईल हो गया है, थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होने पर आप इसको पील कर सकते हैं। ये आलू हमारा थोड़ा सा रोस्ट हो गया है चाट के पर्पज से। अगर आप आलू में चाहते थोड़ी सी नमी बनी रहे तो बीच में आप 1 कप कंटेनर में पानी भर के रख सकते हैं, साइड में आप आलू रख सकते हैं, जिससे कि उसकी नमी बनी रहे और छिलका उतारने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आलू बॉईल हो गया है ये। तो फ्रेंड्स, अब हम नींबू ले रहे हैं। अगर आपके पास कच्चा नींबू है, अगर आपको ज़्यादा उसका रस निकालना है तो आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रो कर दें। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है पूरा नींबू का, तो आप देख रहे हैं पहले से बहुत ज़्यादा जूसी हो गया है। सब्जी काटते वक्त प्याज बहुत आंसू देती है, अगर आप चाहते हैं कि इससे आंसू ना आए तो इसको हम लोग 1 मिनट के लिए माइक्रो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्याज को छिलका निकाल के माइक्रोवेव के अंदर रखना है 1 मिनट के लिए। छिलका इसको हम 1 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है, अब प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, घर में ये टिप्स आजमा कर देखिए और आज ही मुझसे कमेंट्स शेयर कीजिए।